हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो है समर मेकअप, और समर में आप अपने मेकअप को कैसे लॉन्ग लास्टिंग रखें, कैसा मेकअप करना चाहिए समर में, उससे रिलेटेड कुछ टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। समर के लिए मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप अपनी स्किन को क्लीन कर लीजिए और उसके बाद रोज वाटर स्प्रे कर लीजिए अपनी स्किन को कूल डाउन करने के लिए। और याद रखिए, आपको जब भी स्प्रे करना है रोज वाटर तब आप इतने डिस्टेंस पे रख के इसे स्प्रे करें अपने फेस पे। और अब आप इसे सेट होने दें कुछ सेकंड्स के लिए। तो अब आती है बारी सनस्क्रीन और प्राइमर की। तो एज अ सनस्क्रीन और प्राइमर आज मैं यूज कर रही हूँ एलोवेरा जेल, क्योंकि एलोवेरा जेल जो है एज अ सनस्क्रीन भी बहुत अच्छा वर्क करता है और एज अ प्राइमर भी। ये हमारी स्किन को सन टैन से भी प्रोटेक्ट करता है और हमारे मेकअप को सेट करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, ताकि हमारा मेकअप हमारे ओपन पोर्स में जाकर कोई प्रॉब्लम ना करे और नेक्स्ट डे हमें कोई भी पिंपल की प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम अप्लाई कर लेते हैं एलोवेरा जेल। अब आती है बारी फाउंडेशन की। लेकिन समर में अगर आप फाउंडेशन को अवॉइड करें तो वो अच्छा होगा, क्योंकि फाउंडेशन हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। उसके बाद भी अगर आप फाउंडेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लाइट टेक्सचर का फाउंडेशन चूज करें, या आप कोई भी बीबी क्रीम भी एज अ फाउंडेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि बीबी क्रीम भी फाउंडेशन का बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। तो मैं जो बीबी क्रीम यूज कर रही हूँ वो है पॉन्ड्स बीबी क्रीम। और बीबी क्रीम या फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए आप ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि इससे आपके मेकअप का बेस बहुत अच्छा बन जाएगा और वो पसीने से बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो आज मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर का यूज कर रही हूँ मेकअप के लिए। तो सबसे पहले अपने हैंड्स पे थोड़ा सा क्रीम ले लीजिए और फिर डॉट डॉट करके अप्लाई कर लीजिए। थोड़ा सा नेक पे भी, और अब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लीजिए। तो फाउंडेशन के बाद अब आती है बारी आई मेकअप की। तो आई मेकअप करने से पहले आप हमेशा कुछ चीजों का ध्यान रखें कि जब भी आप आईलाइनर चूज करें या काजल चूज करें और मस्कारा, तो वो वाटरप्रूफ होना चाहिए, ताकि पसीने से आपका आई मेकअप बिल्कुल भी खराब ना हो और वो बेकार ना दिखे। और आईलाइनर जो भी आप चूज कर रहे हो वो वाटरप्रूफ के साथ साथ स्मच फ्री भी होना चाहिए, ताकि वो फैले ना और पसीने की वजह से बिल्कुल भी आईलाइनर को खराब ना कर पाए। तो आज के मेकअप के लिए जो आईलाइनर मैं यूज कर रही हूँ वो है मेबलिन न्यूयॉर्क का जीजी हेडेड आईलाइनर। ये स्मच फ्री और वाटरप्रूफ आईलाइनर है। तो
आई मेकअप के बाद अब आती है बारी लिपस्टिक की। तो समर में हम किस टाइप की लिपस्टिक चूज करें? समर में हमें लॉन्ग लास्टिंग और मैट लिपस्टिक चूज करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिप्स के आसपास समर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिससे कि हमारी लिपस्टिक्स फैल जाती हैं और वो बहुत बेकार दिखती हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा लॉन्ग लास्टिंग और मैट लिपस्टिक का यूज़ करना चाहिए। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट लिप पाउट मैट लिपस्टिक। लिपस्टिक के बाद अब आ जाती है बारी अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए हमें क्या करना है, ताकि वो पसीने से बिल्कुल भी खराब ना हो। तो उसके लिए हमें करना है कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज। सिर्फ हल्का हल्का डैब करना है। और स्पेशली कॉन्सेंट्रेट करना है अपने टी जोन एरिया पे, मीन्स फोरहेड और नोज, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, और इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। इससे रिलेटेड आपके जो भी सजेशंस या क्वेश्चंस हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।